हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे बर्जर के जो एकदम चैंप प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट है बर्जर के, उसके बारे में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोनों प्रोडक्ट, बर्जर का वॉल मस्ता और बर्जर का बाइसन। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले अपन बात करते हैं बर्जर के वॉल मस्ता की। ये बर्जर का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, पूरी रेंज में सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट बिकता है। और उसके बाद आता है बर्जर का बाइसन, ये वाला प्रोडक्ट, ये भी बर्जर का सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप अपने घर में कलर करना चाहते हैं और आपका बजट ज़्यादा नहीं है, कम बजट में अच्छा काम चाहते हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट हैं, बेस्ट रहेंगे, सबसे ज़्यादा चलने वाले प्रोडक्ट हैं। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट आती है इनकी कवरिंग आती है, तो बर्जर वॉल मस्ता की जो कवरिंग आपको आएगी पर लीटर सिंगल कोट में, वो आएगी 100 से लेके 130 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, 100 से लेके 130-140 स्क्वायर फीट एक लीटर में कवरिंग बैठेगी सिंगल कोट में। और बात करें बाइसन की, तो बाइसन में आपको सेम लगभग 100 से 120 स्क्वायर फीट कवरिंग बैठेगी सिंगल कोट में। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अपन कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जो वॉल मस्ता है, ये है आपका धूप का कलर, ये एक्सटीरियर पेंट है, ठीक है, एंटी फंगल पेंट है। और जो बाइसन है अपना, ये है एक्रेलिक पेंट, जो अंदरूनी दीवार पर लगता है आपका इंटीरियर पेंट। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, ये बाहर का कलर है और ये अंदर का कलर है बाइसन। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि बाइसन को आपको बाहर नहीं लगाना है, ये धूप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और वॉल मस्ता को आप अंदर भी लगा सकते हो और बाहर भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अब आ जाते हैं अपन इन दोनों में कलर कौन कौन से बन जाएंगे। तो आपका जो वॉल मस्ता है, इसमें बड़ी आसानी से 2000 से लेके 2200-2300 शेड तक बन जाते हैं। कंपनी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है, अब इसमें 2000 प्लस कलर बन जाएंगे। और जो बाइसन है अपना, इसमें आपको 1700 से लेकर 2000 तक कलर बन जाएंगे, 2000 कलर शेड कार्ड आते हैं इनमें। ठीक है दोस्तों, तो सारे कलर लगभग 2000 के अंदर सारे कलर आ जाते हैं डार्क वाले आपके। ठीक है, फिर आ जाते हैं इनकी फिनिश पर। दोनों पेंट मैट फिनिश में आएंगे, वॉल मस्ता और बाइसन दोनों मैट फिनिश देंगे आपको। अगर आप चाहते हो शाइन फिनिश, तो इसमें एक और प्रोडक्ट आता है वॉल मस्ता का ग्लो, वॉल मस्ता ग्लो आता है, और इसमें आता है बाइसन ग्लो, जिसमें हल्की सी शाइन आती है। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वॉल मस्ता लाइट आता है इसका, और वॉल मस्ता और वॉल मस्ता ग्लो। ठीक है दोस्तों, तो तीन तीन रेंज तीनों में आती है, उनके बारे में अपन आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं अपन इन दोनों के बारे में। बात करते हैं वॉल मस्ता की लाइफ के बारे में, तो कंपनी आपको 3 साल की वारंटी देती है, पर बड़ी आसानी से कलर आपका अगर लाइट शेड में बनाते हो, तो 3 से 4 साल बड़ी आसानी से कलर चल जाएगा, 4 से 4.5-5 साल तक चलते हैं कलर। पर 3 साल की मैं भी बता देता हूँ आपको, 3 साल तक तो ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो बाइसन है अपना, बाइसन भी आपको बड़ी आसानी से 2 से 3 साल चल जाएगा, इंटीरियर प्रोडक्ट है, आराम से आपको 3-4 साल कहीं नहीं जाएगा कलर। ठीक है दोस्तों, और अपन अगली बात करें तो ये दोनों पेंट एकदम लो कैटेगरी में आते हैं, बजट फ्रेंडली पेंट है, कहीं पर भी लगा सकते हो आप और आपके बजट में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनको आप ब्रश, रोलर और मशीन तीनों से कलर कर सकते हो। आप चाहो तो रोलर से कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रश से या मशीन से करवाना चाहो स्प्रे पेंटिंग, तो वो भी दोनों में हो सकता है। फिर आ जाते हैं अपन इसको यूज़ करने का तरीका, तो आपको बताता चलूँ मैं कि 1 लीटर में आपको वॉल मस्ता में डालना है लगभग 400 से 450 ml पानी, और सेम टू सेम रहेगा आपका इंटीरियर में 400 ml पानी 1 लीटर के अंदर। अब आ जाते हैं दोस्तों अपन इसकी प्राइस क्या रहेगी, तो प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जगह से अलग अलग प्राइस वेरी करता है। जैसे आज हमारे यहाँ जो प्राइस चल रहा है, मैं आपको MRP बताऊँगा, आपको हो सकता है इससे नीचे भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको MRP मैं ज़रूर बता दूंगा कि जैसे वॉल मस्ता है, आप ये MRP देख रहे हो, इसमें बेस के हिसाब से भी कलर वेरिएंट के हिसाब से भी प्राइस वेरी करेगी। तो जो P0 बेस आता है वॉल मस्ता में, वो आपको पड़ता है 4460 रुपये पर 20 लीटर बकेट का। ठीक है दोस्तों, मैं 20 लीटर का बता रहा हूँ आपको ये। और वहीं बाइसन आपको पड़ेगा
जो अभी आप जो डेट देख रहे हो उस डेट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 3,870 रुपये की इसकी MRP आती है। आप खास मेंशन कर रहा हूँ मैं इसमें, ये MRP बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है आपको इसमें कम से कम में भी मिल जाए, कहीं कहीं जगह पे सस्ता होगा, कहीं कहीं जगह महंगा होगा, तो आप उस हिसाब से देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपको वॉल मस्ता और बाइसन में पूरा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। आपको खास ध्यान इस बात का रखना है कि वॉल मस्ता जो है वो धूप का प्रोडक्ट है और बाइसन जो है वो अंदर का प्रोडक्ट है, इंटीरियर प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप बजट के अंदर ये प्रोडक्ट लगा सकते हो, कम बजट वाले जिनको कम बजट में पेंट करवाना है। बर्जर के सबसे ज़्यादा बिकने वाले दोनों प्रोडक्ट जो आज मैंने आपको बताए। आपको वीडियो कैसा लगा और कुछ कमी रह गई होगा वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। और अगला वीडियो आप किस बारे में चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस पर आपको वीडियो बना के बताऊँ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।